बहुजन क्रांति मोर्चा मार्क्सवादी का या बहुजन मोर्चा का मोर्चा नहीं है, बहुजन समाज के जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है उन सब लोगों को इकट्ठा करके निकाला गया मोर्चा। उसके पीछे सोच ये है कि हर संगठन अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है, किसी की भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि महाराष्ट्र में इसको प्रयोग किया जाए और जो हर जिले में जितने संगठन हैं उनको इकट्ठा किया जाए और फिर सारे देश के संगठन को इकट्ठा किया जाए। लगभग 50,000 संगठन को इकट्ठा करके संसद पर 50 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाने की अगली योजना क्या है? महाराष्ट्र में अगली योजना है 356 तहसीलों में ये मोर्चे 21 जनवरी के बाद शुरू हो जाएंगे। मोर्चा खत्म होने के बाद आपकी अगली प्रक्रिया ये है। मोर्चा ये निकल गया, मान लो नागपुर में मोर्चा निकल गया तो इन लोगों को ये हमारा कहना है कि 21 तारीख का जो मोर्चा बॉम्बे में हो रहा है उसके लिए यहाँ से लोग जाए और 21 तारीख का मोर्चा समाप्त होने के बाद 356 तहसीलों में मोर्चे निकालने की तैयारी शुरू कर दी।